बिहार के पूर्णिया जिले में बड़ा ही सनसनीखेज वारदात घटित हुई है। जानकारी के मुताबिक मुस्लिम समुदाय के लगभग 150 लोगों ने दलित की बस्ती में आग लगा दी है। दलित बस्ती में आगजनी की यह घटना पूर्णिया जिले के बायसी थाना अंतर्गत मझुआ गांव की है, जहां सैकड़ों लोगों की भीड़ ने दलितों की बस्ती में आग लगा दी। आग लगी की इस घटना में लगभग 23 दलित परिवार के घर जलकर राख हो गया है। इस दौरान एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। गांव में तनाव भरे हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इस घटना के बाद बिहार की राजनीति भी गरमाई हुई है। बीजेपी ने जहां आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है, तो वहीं आरजेडी ने भी नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तमाम हिंदूवादी संगठन भी घटना के बाद एक्टिव हो गए हैं, ट्विटर पर लगातार ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। घटना के अगले दिन यानी 20 मई को बायसी पुलिस थाने में 3 FIR दर्ज की गई है। पूर्णिया पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश की जा रही है। पूर्णिया जिला प्रशासन पीड़ितों को सूखा अनाज मुहैया करा रहे हैं। इसके अलावा पीड़ितों को 9800 रुपए प्रति परिवार की दर से मदद की गई है। जानकारी के मुताबिक सभी प्रभावित लोगों के लिए SC/ST एक्ट 1989 के तहत 2,00,000 रुपए मुआवजा जारी कर दिया गया है। वहीं मृतक परिवार को 8,25,000 रुपए देने की भी बात सामने आ रही है। जिसमें अभी तक लगने का लगभग 2 घंटा हो चुका, अभी एक भी प्रशासन नहीं आया हुआ है। देखिए ये यहाँ से स्टार्ट है, अभी तक अभी तुरंत तुरंत एक काफी दर्दनाक घटना है। देखिए जिसमें कि एक पुलिस प्रशासन का बाइक भी चला हुआ है। देखिए पुलिस, ये पुलिस प्रशासन का बाइक है, ये देखिए पुलिस प्रशासन का बाइक है जो पूरे तरह से घायल है। पुलिस पर भी काफी तरह से हमला हुआ है। ये देखिए ये इधर उधर मुसलमान का घर है, इधर देखिए हरिजन का घर है, एक भी घर बचा हुआ नहीं है। जिसमें काफी दर्दनाक घटना है, ये हिंदुस्तान का तोहिन है। जिसके अंतर्गत देखिए ये काफी जिसका कोई ही नहीं पड़ता है।